Assalamualaikum, ये जावा की शॉर्ट वीडियोस हैं। तो ये मैंने कॉन्स लिए जावा की हैंडआउट से, 506 की हैंडआउट से। ये फर्स्ट लेक्चर की कॉन्स हैं, गोल ऑफ जावा, जावा की क्या गोल है, डेवलप एप्लीकेशन विच रन्स ऑन एवरी एनवायरनमेंट, ऐसी एप्लीकेशन बनाना जो हर एनवायरनमेंट में चल सके। एनवायरनमेंट मतलब विंडोज 98, विंडोज लिनक्स सब पे एक ही एप्लीकेशन चल सके। ये मेन पॉइंट्स हैं। राइट लैंग्वेज राइट टाइम, जावा ऐसी लैंग्वेज थी जो राइट टाइम इंट्रोड्यूस हो गई, जिस टाइम इसकी ज़रूरत थी। जावा केम ऑन द सीन इन 1995 टू इमीडिएट पॉपुलरिटी। जावा 1995 में आई और अचानक ही पॉपुलर हो गई। बिफोर दैट सी एंड सी प्लस प्लस डोमिनेटेड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जावा से पहले सी और सी प्लस प्लस में सॉफ्टवेयर बनी जाती थी, अभी भी बनती है, लेकिन पहले सी और सी प्लस प्लस थी। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे नो रिबूस्ट मेमोरी मॉडल, नो गार्बेज कलेक्टर कॉजेज मेमोरी लीकेजेस, नॉट ग्रेट सपोर्ट ऑफ बिल्ट-इन लाइब्रेरीज। सी प्लस प्लस और सी में रिबूस्ट मेमोरी मॉडल नहीं था, गार्बेज कलेक्टर नहीं था, जिसकी वजह से मेमोरी लीकेजेस होती थी। और लाइब्रेरीज थी सी प्लस प्लस में, लेकिन जावा में बहुत हैं। जावा ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रेट सेट ऑफ प्रोग्रामर एफिशिएंट फीचर्स। जावा ने कटिंग प्रोग्रामर एफिशिएंसी के लिए फीचर लेके आए, जिससे प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग अच्छी और एफिशिएंट हो गई। पुटिंग मोर वर्क ऑन सीपीयू टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर द प्रोग्रामर। अच्छा, जावा ने ज़्यादातर चीज़ें सीपीयू पे डाल दी, जिस तरह मेमोरी लीकेजेस, पॉइंटर्स वगैरह, ताकि प्रोग्रामर मिस्टेक कम करें और मतलब स्पीड भी ज़्यादा हो जाए प्रोग्रामर का और मिस्टेक भी कम कर दें। जावा सिंटैक्स इज सिमिलर टू सी सी प्लस प्लस। जावा की सिंटैक्स सी और सी प्लस प्लस की तरह है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन उसमें फिर भी फंक्शन यूज हो सकते, लेकिन ये प्योर है। जावा इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन दी ओपी नोटेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जावा फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नोटेशन ऑफ क्लासेस यूज करता है, बेस्ड है उन पे। जावा यूजेस अ फॉर्मल ओपी टाइप सिस्टम दैट मस्ट बी ओबे एट कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। जावा फॉर्मली ओपी टाइप सिस्टम यूज करता है, जो रन टाइम और कंपाइल टाइम दोनों तैयार रहता है। दिस इज हेल्पफुल फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स। जावा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल है। जावा परफॉर्मेंस इज नाउ सिमिलर टू सी, a little slower in some cases, faster in few cases. However, memory use and startup time are both worse than C. Java ki performance C ki tarah hai, kahi pe slow hai aur kahi to inse tez hai, lekin use or startup time C se worse hai. मतलब इसमें सी इनसे अच्छा है, जावा से अच्छा है। जावा की डिफिनीशन, जावा इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड
interpreted robust secure architecture, neutron portable high performance multi-threaded and dynamic language. ये जावा की डिफिनीशन है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो तो देखते हैं, कंफ्यूजिंग सी. फर्स्ट रोबस्ट. रोबस्ट प्रोग्रामिंग इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग दैट फोकस ऑन हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन एंड अनएक्सपेक्टेड एक्शंस. रोबस्ट प्रोग्रामिंग इज अ एक स्टाइल है, प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो फोकस करता है अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन एक्शन और एरर्स वगैरह जो अनएक्सपेक्टेड होती है उसको हैंडल करता है. आर्किटेक्चर न्यूटन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन विदाउट रिगार्ड टू द टारगेट प्लेटफॉर्म. वो सॉफ्टवेयर जो किसी टारगेट प्लेटफॉर्म के लिए ना बनाओ उसको आर्किटेक्चर न्यूटन कहते हैं. मल्टी थ्रेडेड is the ability of program or an operating system process to manage its use by more than one user at a time and to even manage multiple requests by the same user without having to have multiple copies of the program running in the computer. Multi-threaded ये operating system में भी होता है अगर आपने पढ़ा हो. ये at a time एक से ज़्यादा user यूज़ कर सकता है और एक ही यूज़र एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज सकता है और ये इसको हैंडल कर सकता है. डायनेमिक. डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन अदरवाइज डन एट कंपाइल टाइम एंड कैन बी डन एट रन टाइम. फॉर एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट इट इज पॉसिबल टू चेंज द टाइप ऑफ वेरिएबल और एड न्यू प्रॉपर्टी और मेथड टू an object while the program is running. Dynamic programming language वो लैंग्वेज होती है जो जिसमें आप रन टाइम कुछ वेरिएबल या फंक्शन वगैरह डाल सकते हो इससे जावास्क्रिप्ट में. जावा लैंग्वेज पार्ट्स. जावा इज टू पार्ट्स. जावा के दो पार्ट्स है, एक कोर एंड द कोर लैंग्वेज. पहला पार्ट द कोर लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल्स अरेज ऑब्जेक्ट्स आते हैं. The Java virtual machine runs the core language, JVM, core language को चलाता है. और दूसरा है libraries. Libraries जैसे मैंने पहले कहा कि जो programmer जैसे कि image uploading या PDF generate करने के लिए जो functionality होती है वो एक class में उससे एक class बनाती है और फिर उसको share करता है, बाकी लोग उसको include करके यूज़ करता है जिससे प्रोग्रामिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है. जावा की एडवांटेजेस. रोबस्ट है, सिक्योर है, सेफ है, पोर्टेबल है, हाई परफॉर्मेंस, मल्टीथ्रेडेड, डायनामिक. ये पोर्टेबल की भी पोर्टेबल की भी सेम मतलब है कि हर जगह यूज हर जगह चलती है. प्रोग्रामर एफिशिएंसी फास्ट अटैक. Building an application in Java takes about 50% less time than in C or C++. Java में जब हम application बनाते हैं तो 50 गुना कम time लेता है C और C++ से. Libraries. Libraries की वजह से भी Java में development fast होती है, जल्दी होती है, क्योंकि जब हम libraries use करते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है. जनरल बिलीव इज दैट जावा इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 years. एक आम सा गुमान है कि जावा अगले 10-20 साल रहेगी और इसी तरह पॉपुलर होगी. तो ये थे फर्स्ट लेक्चर की कुछ पॉइंट्स. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं असाइनमेंट भी सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा और साथ में हम प्रोग्रामिंग भी देखेंगे इसी की. तो ठीक है, चलता हूँ, हाफिज.